मोदी जी थरी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है उस चीज़ का कि मोदी जी आपकी तोब कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मारने आए हैं या हम हिंसा फैलाने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इस सॉन्ग के अंदर है। आज का मुद्दा FIR, FIR तो काफ़ी दिन पहले से हो चुकी है और इस पर मतलब सबके रिएक्शन भी आ रहे थे, मेरा वकील भी डायरेक्ट बात कर रहा है। तो अब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब मामला बदल गया जब से ये बात हाईलाइट हुई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जब से बात की है। तो जिस भाई ने ये FIR की थी गुड़गांव में, तो उस भाई से मेरे वकील ने भी बात की है, हमने भी बात की है। तो अब आप लोगों के प्यार से वो बंदा मतलब नहीं चाह रहा है कि मतलब उसका नाम उजागर हो, वो अपनी FIR वापस लेने को तैयार है। और क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है किसानों का भी। और पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सॉन्ग के अंदर गलत क्या है और क्या सही है, इसका फैसला आप लोग करेंगे अभी कि मतलब इसके अंदर मैंने गलत क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। तो सीधी बात पे आते हैं, इस सॉन्ग के अंदर पहली लाइन है, नहीं लूटेंगे नहीं पीटेंगे, पाछे भीब नहीं हटेंगे। तो दोस्तों ना अब लूटेंगे हम ना हम पीटेंगे, क्योंकि पिछली बार आपको पता है लाठीचार्ज होते रहे हैं। और लूटने का मतलब है कि सरकार मनमर्जी के रेट हमें देती है, तो लूटना ही एक किस्म से, एक बाजार में वही चीज़ दुगने या कई गुना ज़्यादा रेटों पे बिकती है। जब किसान बेचने जाता है तो वो बहुत कम, चाहे अगर हम चना बेचने जाते हैं, जब दाल बिकती है तो आप लोगों को पता है कितना मार्जिन उसमें हो जाता है प्लस माइनस। तो मुद्दा यही है कि जो ये कह रहे हैं कि ये सॉन्ग गलत है, उनके लिए मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि ये सॉन्ग कहीं भी गलत नहीं है। मैंने उसमें लिखा है, नहीं लूटेंगे नहीं पीटेंगे, पाछे भीब नहीं हटेंगे। किसान भगत सिंह होया फिरे कमजोर थे लागे, किसानों को ये सरकार कमजोर लगाएगी थी कि मतलब ये तो भोले भाले हैं, खेतों में ही रहेंगे, अगर खेतों का काम छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, धरना नहीं करेंगे तो खेतों में कौन काम करेगा, ये तो बिल्कुल गरीब तबका है, इसको दबा लिया जाएगा। हाँ, तो मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है, किसान भगत सिंह होया फिरे कमजोर थे लागे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने मतलब उसी तरह से मतलब बताया है, संबोधित किया है, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है उस चीज़ का कि मोदी जी आपकी तोब कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो वो अगर आप ये कह रहे हैं कि हम मारने आए हैं या हम हिंसा फैलाने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इस सॉन्ग के अंदर है। और अगली लाइन में तो बिल्कुल क्लियर किया है मैंने कि फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा, कि फसल रेट से तो वैसे ही मरे पड़े हैं हम, मार दो गोली हम लाश खड़े हैं, मतलब हमारा गोली मारो हम लाश खड़े हैं। अरे हमें तो मारने की जरूरत है ही नहीं, गोली से तो मारने की जरूरत है ही नहीं, आपने फसल रेट इतना कम करके वैसे ही हमें मार दिया है, ये बताने की कोशिश की है। और अगली लाइन है, संसद में तम बैठ किसान ने नोच खागे, कि संसद में आपने जो कानून किया है उसको नोच खा लिया है किसान को, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। तो मोदी जी को ये बताया कि मतलब आपकी तोब कहाँ है, हम दिल्ली आ चुके हैं। तो हम स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि इसमें स्पष्ट यही कहा गया है कि हम मारने तो या कुछ गलत करने तो आए ही नहीं है, आप मारिए, हम तो मरने के लिए तैयार आए, हम तो सिरफे कफन बांध के भगत सिंह बन के आए हैं, हमने तो मारने की बात की ही नहीं, हमने तो मरने की बात की है। कोई मतलब मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि सॉन्ग के अंदर हमने हिंसा फैलाने वाली बात की है। अरे हम तो मरने की बात कर रहे हैं, हमने तो हिंसा फैलाई ही नहीं, हमने तो मारने की बात की ही नहीं, तो क्यों लग रही है आपको ये बात कि मतलब हम मारने की बात कर रहे हैं,
हम तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप तो काम मरने के लिए आए हैं, मारने के लिए तो बात की ही नहीं हमने। इस सॉन्ग का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था, मैं बताऊं आप लोगों को, कि किसानों को एकत्रित करना। एक कलाकार सॉन्ग जो बनाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि जिस चीज के लिए वो सॉन्ग बना रहा है वो तबका एकत्रित हो, संगठित हो और समाज पे उसका बुरा असर ना पड़े। हमेशा एक अच्छे कलाकार की ये कोशिश रहती है कि समाज पर उसका बुरा असर ना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सॉन्ग के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा है कि मतलब जिससे समाज पे गलत असर पड़े। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा गलत है तो एक नहीं चाहे हजार FIR हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और उस शख्स का भी हम नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि उसने एक बड़ी छोटी सी बात कह दी जो यहाँ चुभ गई, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, किसी का बाप है। तो जब एक बंदा बोल देता है कि भाई किसान मुझे जीने नहीं देंगे, हैं पता नहीं क्या क्या गालियाँ बकेंगे लोग, पता नहीं क्या क्या करेंगे, प्लीज़ ऐसा ना हो, इससे अच्छा है मैं गोली खा लूँगा। तो भाई हम नहीं चाहते कि आप गोली खाएं, फांसी खाएं, बिल्कुल नहीं। और जो गलती करके गलती मान लेता है वो भी बहुत बड़ा होता है। तो कोई ऐसा नहीं है, आपने अपने विचार रखे, हमने अपने विचार दे दिए, मेरे वकील ने बात कर ली है और हमने मतलब अपने विचार दे दिए हैं और अभी वो बिल्कुल समझ चुका है। और आगे भी मैं जो भी भाई हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि सॉन्ग के अंदर बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं था।